सनी देओल की गदर 2 की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह दिन आ चुका है जब 11 अगस्त को गदर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने 22 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड बना दिया था। वैसे ही उम्मीद गदर 2 से भी लगाई जा रही है। इस फिल्म में जो नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, यह बहुत लोगों के मनों को छू रहा है, जिसमें दिल्ली की जनता यह भी कह रही है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। इस फिल्म में तारा सिंह का बहुत ही जोरदार रोल है। बहुत बढ़िया मूवी थी। जनरल हामिद इकबाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान से लड़के जाएं, पाकिस्तान की लड़कियों को लेकर के आए, जिससे एक दोस्ताना संबंध, एक सामंजस्य कायम रहेगा। सन्नी देओल ने बिल्कुल सही कहा इस फिल्म में, अगर पाकिस्तान के लोग चाहें और हिंदुस्तान में बसना तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया मूल मंत्र है। पाकिस्तान अपनी बदहाली से बच सकता है अगर पाकिस्तान का विलय हिंदुस्तान में हो जाए। अमरीश पुरी बहुत लीजेंड एक्टर है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन नए जो ये विलेन हैं, इन्होंने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। अगर नंबर देने की बात है तो मैं उन्हें 5 में से 5 अंक दूंगा। मैं जिस तरीके से वहां से बेटा ला रहा है, उसी तरीके से वहां से पोता भी लाए। ये बहुत अच्छी बात है। एक पहले पुराने जमे से ही रोटी बेटी का सिस्टम चलता आया है, वही सिस्टम अगर अब चालू हो जाएगा तो एक सामंजस्य बन जाएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ओके ओके, 3 स्टार वाली मूवी। हाँ, पिछली गदर तो सबने ही देखी है, ये उसके आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। फर्स्ट जो मूवी थी आपको उसका जिस्ट क्या था? उसका जिस्ट था रोमांटिक लव स्टोरी, उसके पीछे एक रोमांटिक लव स्टोरी थी पूरी पिक्चर में, जो वो आपको एक्सटेंड होती है। इसमें आपको फर्स्ट हाफ तक स्टोरी मिलेगी, सेकंड हाफ में इतनी खास कोई स्टोरी नहीं है। आपको वॉर टाइप मूवी लगेगी, वॉर चल रही है, वो सब हो रहा है, पाकिस्तान वाली आर्मी गोली नहीं चला रही है, जब भी उसके सामने आ रहा है गोली ही नहीं चला रहे भाई, वो अकेला आके वो पूरे पाकिस्तान की आर्मी को बीट कर रहा है। तो थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन है, बट हाँ सिंगल स्क्रीन में देखोगे तो हूटिंग विद सिटी वगैरह तो आपको मजा आएगा। मल्टीप्लेक्स में हो सकता है बोर हो जाओ। नहीं, उसका कोई कंपेरिजन, अशरफ अली का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये वाला विलन है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक स्टोरी में मर्ज हो गया था, ये थोड़ी बेटर है। बस वो एक ही डायलॉग बोली जा रहा है। बहुत अच्छी थी, जो भी दर्शाने की कोशिश की गई है इस मूवी के थ्रू वो बहुत अच्छा था। हाँ थोड़ा सा ओवर हो गया बस, लेकिन हाँ जो सच में दिल से हिंदुस्तानी है उसको ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। दोनों मूवी गदर है और दोनों मूवियों ने अपने अपने समय पे गदर मचाया है। वो उस समय की थी, उसने उस समय गदर मचाया था और ये इस समय की, और ये अब गदर मचाएगी। हाँ उन्हें मिस किया है, उन्हें तो मिस पक्का किया है मैंने, नहीं सबने किया है। जो अशरफ अली है उनका किरदार ना तो कोई फुलफिल कर पाया है और ना शायद आगे कोई कर पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की कमी थी और उन्हीं की कमी हम पूरी भी नहीं कर सकते। आप और हम जानते हैं कि इस समय वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनके कैरेक्टर को किसी और में ढालने की कोशिश की गई है, लेकिन थोड़ा बहुत उनका जो टच रहता है ना वो रह गया है बस। तारा सिंह के बेटे को लेकर अच्छा था, उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया है और कोशिश पूरी है कि अब अगर जो उनको सेकंड मूवी मिलेगी तो थोड़ा उनका जॉनर चेंज होगा तो और एक्टिंग जो है वो उभर के आएगी। भाई जाहिर सी बात है दमान है तो लेके ही आएंगे। बहुत अच्छी मूवी है गदर 2, सनी देओल एंड अमीषा पटेल, और क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के टाइम पे आ रही है 15 अगस्त, तो मैं देख रहा हूँ कि काफी जज्बा है। और यहाँ पे एक मैंने देखा कि डिलाइट सिनेमा का जो एरिया है इसमें जामा मस्जिद है, तो वहाँ की काफ़ी हमारे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, वो लोग आए हुए हैं, उनमें भी वो हिंदुस्तान का जज्बा दिखाई दे रहा है। तो मूवी अच्छी है, सबका रोल अच्छा है, बट ये है कि वो टैंक से जो दिखा रहे हैं सब ठीक है। पुरानी मूवी मेरे से पूछा गया था कि पहली वाली कैसी थी, वो डेफिनेटली बेटर थी,
बट ठीक है, अब हम लोग सोच रहे हैं कि गदर थ्री कब आएगी, वो वेट करते हैं। फाइव दे सकते हैं उसको। दोनों अच्छी लगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फिल्म। अच्छी है। और एक सीन होता है जब बाइक लेके उसका बाप उसको बाइक देता था, वहां सुन के हाँ जी वो तो पूरे के पूरे। हाँ जी वो भी देखी, वो भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, दोनों अच्छी सेम और बहुत अच्छी है। बहुत ही बढ़िया मूवी है। इसमें तारा सिंह, तारा सिंह। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।